Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your mass tutor, and in this video, we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So, without wasting any time, let's start the question. Statement: A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume.

एंड हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्टी फाइव गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप कंटेंट है तो फोर्टी फाइव के लिए फाइंड करने से पहले हम एक के लिए फाइंड करेंगे राइट right? तो एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है सिलेंडर विद टू हेमिसफेरिकल एंड्स तो हम इसकी डाइग्राम बनाते हैं सिलेंडर विद टू हेमिसफेरिकल एंड्स इसका मतलब यहाँ पर भी एक हेमिसफेयर होगा और यहाँ पर भी एक हेमिसफियर इस शेप का है हमारे पास गुलाब जामुन जिसकी लेंथ कितनी है फाइव सेंटीमीटर गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है फाइव सेंटीमीटर एंड डायामीटर कितना है टू पॉइंट एट सेंटीमीटर अगर डायामीटर टू पॉइंट एट सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर टू पॉइंट एट का हाफ वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 है राइट क्योंकि ये भी तो रेडियस है हेमिसफेयर का अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी आ रही है मेरे पास देखो टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है इस साइड से 1.4 गया और इस साइड से भी 1.4 माइनस हुआ तो टोटल फाइव में कितना फाइव में से कितना माइनस हो रहा है टू पॉइंट एट ही माइनस हो रहा है ना दो बार आ गया वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फोर तो इसे माइनस करने के बाद मेरे पास टू पॉइंट टू आ रहा है तो टू पॉइंट टू सेंटीमीटर जो है बीच में सिलेंडर की हाइट है अब हमें एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि थर्टी परसेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम तो उसके वॉल्यूम का थर्टी परसेंट हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ए गुलाब जामुन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस टू इंटू वॉल्यूम ऑफ हैमी स्पियर देखो मैंने टू के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि दोनों एंड्स पे हैमिसफेयर है और विद सेम वॉल्यूम है बिकॉज दोनों का रेडियस सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा ठीक है तो मैंने एक वॉल्यूम ऑफ हैमिस्फेयर लेकर उसे टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज देयर इज टू हेमिसफियस तो अब यहाँ पर इनकी फॉर्मूलाज पुट करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्फेयर एच प्लस टू मल्टीप्लाई विदी वॉल्यूम ऑफ हैमिस्फेयर क्या होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यू देखो रेडियस दोनों का सेम है तो मैं आर लिख रही हूँ ठीक है सिलेंडर और हेमस्फियर का वॉल्यूम सेम है तो इसलिए मैंने आर ही लिखा अगर अलग अलग हो तो आर वन आर टू दे सकते हो आप बट इन दिस केस ज़रूरत नहीं है अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे कि पाई एंड आरस के बाहर आ रहा है तो पाई आर्ट्स के बाहर लिख लेते हैं टेक कॉमन आउट अंदर क्या बचा यहाँ पर अकेली हाइट बची और यहाँ पर टू टू ज फोर बाई थ्री पाई आर्ट्स के बाहर गया तो एक आर अंदर बचा आर क्यूप है ना यहाँ भी तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू कितना है? Uh, 4, uh, है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्टीन ओवर टेन पॉइंट हटा कर लिख रही हूँ मैं आर्ट्स के रे तो दो बार आएगा फोर्टीन ओवर टेन राइट ब्रैकेट के अंदर क्या बच्चा हाइट हाइट कितनी है टू पॉइंट टू इसे हम लिख सकते हैं ट्वेंटी टू ओवर टेन प्लस यहाँ पर फोर बाई थ्री एज इट इज़ इन टू रेडियस कितना है वन पॉइंट फोर तो फोर्टीन बाई टेन हम लिख सकते हैं ओके okay, आप क्या करेंगे ये ये क्या है ये मेरे पास ए गुलाब जामुन का वॉल्यूम है हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है फोर्टी फाइव तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फोर्टी फाइव गुलाब जामुन तो ठीक है एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को फोर्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे राइट अब इसे एज इट इज लिखो फोर्टीन ओवर टेन इंटू फोर्टीन ओवर टेन देखो ये यह यहाँ पर देखो इसके नीचे क्या थर्टी बन रहा है इसके नीचे टेन है हमें हाँ मालूम है ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम करने होंगे अगर यहाँ पर थर्टी है तो यहाँ पर भी टेन को मैं थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि थर्टी बन जाए नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी ट्वेंटी टू को भी थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना होगा प्लस यहाँ पर फोर्टीन फोर या फिफ्टी सिक्स होते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद थर्टी आएगा इतना सा सॉल्व कर दिया मैंने साथ में अब देखो ये तो वॉल्यूम ऑफ फोर्टी फाइव गुलाब जामुन है हमें क्या फाइंड आउट करना है हाउ मच सिरप कितना सिरप होगा वुड बी फाउंड इन गुलाब जामुन के फोर्टी फाइव गुलाब जामुन में कितना सिरप कंटेंड होगा तो अगर एक गुलाब जामुन किसी गुलाब जामुन के वॉल्यूम का थर्टी परसेंट उसमें क्या है सिरप है तो फोर्टी फाइव गुलाब जामुन का भी थर्टी परसेंट हम फाइंड आउट करेंगे उतना ही बीच में सिरप कंटेंट होगा हम यहां पर लिखेंगे शुगर सिरप कंटेंट इन फोर्टी फाइव गुलाब जामुन तो वो कितना होगा थर्टी परसेंट ऑफ दिस वॉल्यूम तो थर्टी परसेंट कैसे निकालेंगे थर्टी ओवर हंड्रेड इनटू दिस वॉल्यूम तो लिखो इसे रिराइट करो फोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोटीन ओवर टेन इंटू फोर्टीन ओवर टेन अब इसे भी सॉल्व कर दो देखो नीचे थर्टी है तो एक बार थर्टी आ जाएगा ऊपर क्या है देखो ट्वेंटी टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स ये फिफ्टी सिक्स है इसे एडअप कर दो तो वन ट्वेंटी टू आ रहा है ठीक है ये रफ में सॉल्व करना इसे वन ट्वेंटी टू तो अब देखो जो भी कटिंग हो रही है उसे कैंसिल कर देते हैं जैसे कि थर्टी से थर्टी कैंसिल हो रहा है सेवन वन जो सेवन सेवन टू ज़ा फोर्टीन टू वन जो टू टू फाइव ज़ा टेन फाइव वन ज़ा फाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव ओके अब क्या करेंगे जो भी ऊपर है उसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जी जो हंड्रेड और टेन है इसे मल्टीप्लाई करके नीचे थाउजेंड लिख देंगे ठीक है फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट शिफ्ट करना है चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं नाइन मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी टू के साथ अब ये आंसर है। ये मल्टीप्लाई होगा उसके बाद 14 आ रहा है तो 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर है ये इसके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एट लास्ट 122 के साथ तो ये आ रहा है मेरे पास तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 338184 डिवाइडेड बाय 100 10 1000 तो अब इसके अकॉर्डिंग पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1233 छोड़ के पॉइंट लगेगा 338184 वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो अगर मैं इसे देखूँ तो मेरे पास थ्री थ्री एट पॉइंट वन एट फोर सेंटीमीटर क्यूब जो है इतना सिरप है इन फोटी फाइव गुलाब जामुन सो दिस इज आर आंसर hope you all enjoyed this question and understood it better but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have i will meet you in another video with new interesting question till then goodbye take care